चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव अभी आप कहां पर मौजूद है, किस तरीके का रिएक्शन इस घोषणा के बाद? देखिए हम लोग इस वक्त मुख्यमंत्री के मोहल्ले में मौजूद है, जाटावास मुख्यमंत्री के घर से ज्यादा दूर नहीं है। जब वो बचपन था करीब अगर 15-17 साल की बात करते, बेल बॉटम पहन करके भवन सिंह रास्ता बता रहे, ये वही मोहल्ला है जहाँ पे ये लोग जो है जिनके साथ जुड़ाव था वहां से जाया करते थे। घर में कितनी खुशी होती है, और उनके साथ सिपे सलार जो है राजेंद्र सोलंकी शुरू से उनके साथ रहे हैं, और जो मानसिंह देवड़ा है उनकी पुत्री जो मेयर है कुंती देवड़ा, वो भी हमारे साथ जरूर बात करते हैं। सर कैसे देखते हैं, कल रात को जब से घोषणा की है पूरे हिंदुस्तान में गलत तरह का मैसेज गया है? अशोक गहलोत साहब ने दो महीने से जो मंगई रात कैंप जो चालू किए और वास्तव में लोगों को जो रिलीफ मिल रही है, और कल रात की जो घोषणा अशोक गहलोत साहब ने की है, कई लोग अलग अलग तरह की अफवाह फैला रहे थे कि फ्यूल चार्ज लगा दिया, वो लगा दिया, उनकी सबकी बोलती बंद कर दी है। और 100 यूनिट तक तो कुछ देना ही नहीं है, और 200 यूनिट तक भी कोई फ्यूल चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, कि जिस तरह से जो भ्रमित कर रहे थे लोगों को। तो वास्तव में जो अशोक गहलोत साहब की इस कार्यकाल के अंदर जो योजनाएं हैं वो वास्तव में जनता को रिलीफ देने की, महंगाई से राहत देने की है। ये जो घोषणा से आमजन को लाभ मिलेगा वो तो आज से स्टार्ट है, वो तो आज से लोगों को जो बिल अब आएंगे उसमें 100 यूनिट जिनके भी आ रहे थे उनको तो 0 बिल आएगा, और उसके बाद में जो 200 यूनिट तक है तो उनको भी फ्यूल चार्ज वगैरह तमाम तरह के जो टैक्स है वो सब माफ़ है। आप बताओ, आप फिर ये लोगों को राहत नहीं मिलेगी क्या? हमारे साथ में प्रथम नागरिक कुंती जी, कैसे देखते हैं आप, मेयर हैं यहाँ की, आपको लगता है जनता को लाभ मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सोच रही है कि उन्होंने कहा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, उसी के अंतर्गत जिस तरीके से दो महीने से लोगों को राहत मिल रही है महंगाई राहत कैंप में, और कल रात को एक महत्वपूर्ण सौगात उन्होंने पूरे देश व राजस्थान वासियों को दी है, जिसमें उन्होंने 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी है, उसके साथ साथ जो 200 यूनिट तक के फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य चार्जेस को माफ़ किया है, और ये एक बहुत बड़ी सौगात है, और निश्चित तौर पर राजस्थान वासियों को इसका लाभ मिलेगा और आम जनता इससे लाभ लेगी। कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने रात को घोषणा की थी तब लोग डर गए थे, एक मुख्यमंत्री का रात को घोषणा किए, कितना फर्क है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नोटबंदी करके जनता को परेशान किया था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने रात को ये महंगाई रात का जो धमाका दिया है उससे प्रत्येक घर में कम से कम 800 से लेकर 1000 रुपए तक प्रत्येक घर में फायदा होगा। सर आप मुख्यमंत्री का मोहल्ला है, कितनी खुशी है मुख्यमंत्री लगातार ऐसे जनहित के फैसले ले रहे हैं? उनके फैसले आम जनता के हित में हो रहे हैं, और उन्होंने जो रात को घोषणा की उससे पूरा राजस्थान लाभान्वित होगा, सबके मन में खुशी है, हर्ष है कि हमारे हर महीने बिल में 100-1000 रुपये का कम बिल होगा, फायदा होगा। आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री का मोहल्ला है, और आप तस्वीरें देखिए जी, आपको तमाम वो लोग हैं जिनका मुख्यमंत्री से सीधा हृदय से कनेक्शन है, ये कोई बचपन में साथ पड़ा हुआ है, कोई उनको आशीर्वाद देता रहा है, कोई मोहल्ले में किसी का घर पे सीधा आना जा रहा है, कोई कार्यकर्ता के रूप में साथ उनके आगे बढ़ा, तो समझ सकते हैं ये जो तस्वीर है इसलिए खूबसूरत है कि घर के लोग जब खुश होते हैं, किसी भी व्यक्ति को घर से जब प्यार मोहब्बत मिलता है, दुआएं मिलती है, तो आगे बढ़ता जाता है, और वो तभी कहते हैं मैं था सुदूर नहीं। जी पूनम बताइए। बिल्कुल राजीव आपने सही कहा, लेकिन मिले जुले रिएक्शन सारे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता ऐसी योजनाओं की तारीफ करती है, जब उन्हें राहत मिलती है, तब सही मायने में सफलता सरकार को मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब कई और सवाल खड़े हो रहे थे, क्या इनके जहन में भी है, क्योंकि लगातार ये सवाल था राजीव कि क्या अगर सरकार रिपीट होती है तो क्या तब भी ये योजना लागू रहेगी, क्या इनके जहन में भी कोई इस तरीके के सवाल आ रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे साथ राज्य मंत्री जो राजेंद्र से बात भी कर रहे थे, सर क्या लगता है कि सरकार रिपीट होती है तो क्या ये योजना इस तरह की कंटिन्यू रहेगी? सरकार जनता रिपीट करेगी, और जनता को इस बात की प्रसन्नता है, खुशी है कि हमारे हितैषी कौन है, हमारा जो ध्यान रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो सभी लोग जानते हैं, और आगे आज सरकार वापस रिपीट होती है। अगर आप ये मान के चले कि जो OPS स्कीम है बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको बंद किया, अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगी वो स्कीम चालू रखेगी क्या? और दूसरी जो तमाम तरह की योजना है, और भी अशोक गहलोत साहब के तो दिमाग के अंदर कई तरह की योजना है जो जनता को रिलीफ देने की है, तो सरकार आएगी तो उसका फायदा आम जनता को आगे भी मिलेगा। तो एक जो आदमी जिसको पहचाना हुआ है
जिसको परखा हुआ है, तो जनता तो उसके ऊपर विश्वास करेगी। तो इस जिस तरह से जुमलेबाजी और जिस तरह से जो आजकल प्रधानमंत्री जी यहाँ आके राजस्थान के अंदर और जिस तरह की जो बात उन्होंने कही है कि झूठ बोलने वाले, आप झूठ कौन बोल रहा है, झूठ बोलने वाले लोग कौन है? आज तक जिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे दिया क्या, काला धन लेके आएंगे लाया क्या, महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे की क्या, 15 लाख खाते में सबके सामने। लेकिन जो बात सुबह राजेंद्र राठौड़ ने कही थी उस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं, अमेरिका उन्होंने कहा कि सरकार रिपीट होगी, डिलीट होगी, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल रिवाज बदलेगा और जो परंपरा रही है राजस्थान की उसको हम बदलेंगे और ये सरकार निश्चित तौर पर रिपीट होगी और हम सब ये प्रयास करेंगे। और हर घर ये समझता है कि किस तरीके से विकास कौन सी पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने। चलिए ठीक है राजीव, क्योंकि जनता जनार्दन है।